नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती सांगवान। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। वहीं शिवसेना ने भी महाराष्ट्र चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर को मतदान किए जाएंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 12 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है, जबकि 52 विधायकों को फिर से टिकट मिला है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के लिए कई बार शर्मिंदगी का कारण बनी उनकी स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी हटा दी गई है। उनकी जगह मुनीर अकरम को नियुक्त किया गया है। कुछ दिनों पहले मलिहा लोधी ने बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का विदेश मंत्री बता दिया था, जिससे उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान को अन्य देशों की तरफ से किसी प्रकार की तवज्जो नहीं मिलने के बाद उन्हें हटाने का फैसला किया गया और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1945 में वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की तहसील डेरापुर के एक छोटे से गांव परोख में पैदा हुए थे। आज लोग उनकी विनम्रता शिष्टता के कायल हैं। कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। साल 1994 और 2000 में कोविंद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य चुने गए और 12 साल तक सांसद रहे। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के 26वें प्रमुख बने। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोआ ने उन्हें कार्यभार सौंपा। भदौरिया ने कहा कि हम पश्चिमी मोर्चे पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और वायुसेना बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक के लिए तैयार है। भदौरिया ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की परमाणु युद्ध की धमकी पर कहा कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। परमाणु युद्ध को लेकर उनकी अपनी समझ है, लेकिन हमारा विश्लेषण उनसे अलग है। विदेश मंत्री एस जयशंकर उस समय अमेरिका के दौरे पर हैं जहां उन्होंने अमेरिका की ओर से प्रतिबंध के खतरे के बावजूद रूस से मिसाइल हथियार प्रणाली खरीदने के भारत के अधिकार का बचाव किया है। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ सोमवार को बैठक से पहले कहा कि भारत रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने के लिए स्वतंत्र है। हमने हमेशा इस बात को कहा कि हम क्या सैन्य उपकरण खरीदते हैं, ये हमारा संप्रभु अधिकार है। इसी तरह हम नहीं चाहते कि कोई हमें बताए कि हमें अमेरिका से क्या खरीदना है और क्या नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल से अपना पर्चा दाखिल किया। मनोहर लाल का ये नामांकन पूरी तरह से हाई प्रोफाइल रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र तोमर, रामविलास शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को भी संबोधित किया। We'll be right back.
करनाल में सीएम मनोहर लाल ने नामांकन से पहले हवन यज्ञ भी किया। हवन यज्ञ में शामिल होने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी में टिकट नहीं मिला है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं मिला बीजेपी की सरकार आने पर उनका भी ध्यान रखा जाएगा। सीएम मनोहर के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भुलाचीका में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्कूल के बच्चों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी शशि सुंदरा ने शत प्रतिशत मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज टिकटों की घोषणा कर सकती है लेकिन टिकटों के ऐलान में दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। उम्मीद है कि इसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें बीते 3 दिन से कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और प्रत्याशियों पर गहन मंथन किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 78 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। फरीदाबाद से नगेंद्र भडाना पर पार्टी ने भरोसा जताया। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद नगेंद्र भडाना के कार्यालय पर समर्थकों का तांता लग गया। वहीं नरेंद्र भडाना ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि बीजेपी के सामने विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे और ऐसा लगता है कि 90 की 90 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रानिया से मौजूदा विधायक रामचंद्र कंबोज को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट मिलने पर रानिया पहुंचे विधायक का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आर्थिक मंदी को लेकर शिमला में कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को मंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। मोदी सरकार ने जीएसटी और नोटबंदी लगाकर देश के आर्थिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया। रजनी पाटिल ने भविष्य में केंद्र के साथ राज्यों में भी सरकार बनाने का दावा भी किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को 78 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी ने विधायक विमला चौधरी का टिकट काटकर पटौदी विधानसभा क्षेत्र से सत्य प्रकाश जरावता को उम्मीदवार घोषित किया। पटौदी क्षेत्र केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ माना जाता है। सत्य प्रकाश जरावता के टिकट मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशियां जाहिर की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 78 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जिसमें बीजेपी के गुहला हलका उम्मीदवार रवि तारावली को भी टिकट मिला है। टिकट मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ विधायक का स्वागत किया। चेतावनी देते हुए कहा गया कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दरअसल लोग सड़क निर्माण न होने से नाराज थे। भाजपा उम्मीदवार नौक्षम चौधरी ने लोगों से मुलाकात की और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में टिकट मिलने पर पार्टी का आभार जताया और साथ ही कहा कि उनके चुनावी मुद्दे रोजगार और शिक्षा रहेंगे। बता दें कि पुनहारा से निर्दलीय विधायक रहीस खान ने भी बीजेपी का दामन थामा था पर पार्टी उन पर भरोसा नहीं जता सकी और बीजेपी ने उनकी जगह नौक्षम चौधरी को टिकट दिया जो कि दलित समुदाय से है।
पुराना से बीजेपी उम्मीदवार नौक्षम चौधरी ने टिकट मिलने पर पीएम मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आभार जताया। नौक्षम चौधरी ने कहा कि जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए। नौक्षम चौधरी ने लोगों से मुलाकात की और साथ ही कहा कि शिक्षा से वंचित रहे इलाके को कैसे आगे लाया जाए, इसके लिए वो काम करना चाहेंगे। लाहौल स्पीति को लद्दाख में शामिल किए जाने की मांग को लेकर जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे बेहद नाराज हैं। मारकंडे ने कहा, कुछ हताश लोग लाहौल घाटी के शांत माहौल को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। जनजातीय विकास मंत्री ने कहा कि इस तरह की मांग और अफवाह फैलाना केवल शरारत करने वाले लोगों के काम है। ये लोग देश को तोड़ना और घाटी के शांत माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। कृष्ण बेदी को शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के सरपंच एसोसिएशन और ब्लॉक समिति मेंबर्स एसोसिएशन ने बिना शर्त खुले समर्थन का ऐलान किया है। इस मौके पर शाहबाद विधानसभा के अधिकांश सरपंच और ब्लॉक समिति मेंबर और ब्लॉक समिति चेयरमैन मौजूद रहे। सिरमौर के शिलाई नेशनल हाईवे सड़क पर एक महीने पहले तैयार हुआ लोहे का पुल गिरने की स्थिति में है। आपको बता दें कि 18 अगस्त को भारी बरसात की वजह से शिलाई रोनहाट के बीच श्री क्यारी के पास एक पुलिया नाले में ढह गई थी, जिसके बाद करीबन 15 दिनों तक रोनहाट हरिपुरधार क्षेत्र में आवागमन ठप हो गया था। फिलहाल एनएच अथॉरिटी ने आवागमन बहाल करवा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल के दोनों ओर से गाड़ियों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। इन दिनों सेफ की गाड़ियां लगातार चल रही हैं और इस पर सफर खतरे से खाली नहीं है। लोगों का कहना है कि जैसे ही पुल पर गाड़ियां गुजरती हैं, पुल जोर जोर से हिलता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बुलंदशहर के इलेक्ट्रिक गेट पर सीवर कार्य के दौरान रूट डायवर्जन को लेकर होमगार्ड को गाड़ी रोकना भारी पड़ गया। होमगार्ड की गाड़ी रोकने पर गाड़ी चालक ने उतरकर होमगार्ड के साथ हाथापाई कर दी। इस हाथापाई के दौरान कलेक्टर गेट पर भारी जाम लग गया। होमगार्ड के साथ हाथापाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर के पंचपेड़वा गांव में नदी में दो लड़कियां डूब गई, जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई। जबकि नदी में डूबने वाली दूसरी लड़की फिलहाल लापता है। वहीं सूचना मिलने पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और गोताखोरों की मदद से नदी में लापता बच्ची की तलाश की जा रही है। कासगंज से जहां बिजली विभाग को लाखों रुपए की प्रतिमाह चपत लगाने वाले कबीर फ्लोर आटा मिल पर विद्युत विभाग ने छापे मारकर कार्रवाई की है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर से चोरी कर जमीन के माध्यम से फ्लोर मिल पर लाई जा रही चोरी की लाइन को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने खुदाई के दौरान कबीर फ्लोर आटा मिल के मालिक को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा है। त्योहारा में मध्य प्रदेश में दो बच्चों की निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल बच्चियों ने बताया कि देश में बेटी बचाओ अभियान तो सरकार ने चलाया है, पर बेटियां देश में सुरक्षित नहीं है। पोंटा साहिब की 7 पंचायतों को जोड़ने वाला अंबोया खड्ड बदहाली के आंसू बहा रहा है। हल्की सी बरसात आने पर यहां छोटे वाहन खड्ड में फंस जाते हैं, जिस कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल बनाने के लिए कई बार अधिकारियों को सूचित किया गया पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाजियाबाद में दो मॉल के मालिकों को 150 करोड़ के करीब बकाया होने पर हिरासत में ले लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। बता दें कि जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए राजस्व की वसूली के लिए जनपद के बकायेदारों के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत मोटे मोटे बड़े बड़े बकायेदारों को हवालात का रास्ता दिखाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का आपको बता दें कि कांग्रेस को एक काफी बड़ा झटका लगा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से है खबर। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है। तो सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह ने जेजेपी का दामन थाम लिया है। आज कांग्रेस की अहम बैठक है, टिकटों का ऐलान होना है। उस लिहाज से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तमाम नेताओं में एक माहौल है टिकटों को लेकर। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज ऐलान हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से खबर सामने आई है कि दो नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और दो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और अब दामन थामा है जेजेपी का। तो सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह ने जेजेपी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस को अलविदा कहकर जेजेपी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, कांग्रेस कभी भी टिकटों का ऐलान कर सकती है और आज अहम बैठक भी है कांग्रेस की। और वहीं दूसरी तरफ से ये जो खबर आई है कि कांग्रेस के दो नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहकर जेजेपी का दामन थाम लिया है। उसकी दुनिया भर की मीटिंगें कराई, सब कुछ करा। अब मैंने भाई साहब से मेरी बात हो गई, अभी कोई लिस्ट भी नहीं आई है कि मेरे को ये ड्रो। अगला ने ये भी कहा था तेरी टिकट, तेरे को टिकट नहीं मिलेगी, तो मैं कुछ भी नहीं। पर मैंने कहीं रिलायबल सोर्स से पता लगाया कि मेरे साथ भी गड़बड़ हो गई। मैं इस बात के लिए नहीं, क्योंकि मैं सारा आप पूरा भिवानी जिले में किसी से पता लगा लो मैंने कितनी मेहनत करी है, जहाँ जन से वहाँ 200 डेढ़ सौ गाड़ियाँ। और मेरे को परसों किसी ने बताया कि तेरा मैंने बात की, मेरा सॉरी, तो मैं कहा सॉरी तो सॉरी क्या हो, यहाँ ओके रिपोर्ट है, यहाँ ओके रिपोर्ट है, यहाँ ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, तभी आया वो किसी ने। दुष्यंत चौटाला और जनता को आप कैसे जमाएंगे? मैं जमाऊ नहीं का, आपको आज वादा करके जाता हूँ और भाई साहब को वादा करता हूँ कि आपको जो है ना 24 तारीख को सतपाल सांगवान वहाँ से विधायक नहीं आएगा तो जिंदगी में शकल नहीं दिखाऊंगा। मैं ऐसी काम कर मेहनत पर विश्वास करता हूँ और कोई नहीं। इनका जो है ना, इनका वहाँ जो हमारे पूरे विधायक थे वहाँ से, इनकी पार्टी के वो मेरे साथ है, उसी ने यानी आपके विधायक बनने का और टिकट मिलने का दोनों कमिटमेंट हो चुके हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, विधायक तो मैं बनूंगा, इनसे जल्दी कराऊंगा, धांधले को जरूरत होगी मदद, इनकी पर्ची है वहाँ, वोट है। इनका पहला विधायक ही नहीं पार्टी का थी, निकल साथ था वो, तो हमारे दोनों भाई मिल के मारा के सुखाते को एक बड़ा झटका लगा है। सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, जेजेपी में शामिल हो गए हैं। सतपाल सांगवान ने कहा कि उन्हें सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, उन्होंने कड़ी मेहनत की है भिवानी हल्के के लिए और इसीलिए अब वो जेजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो जिस चुनावी रण में उतरेंगे वहां से जीत कर ही आएंगे। सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह ने
कांग्रेस को अलविदा कह दिया, जेजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज ऐलान किया गया है जेजेपी का दामन थामने का, सतपाल सांगवान ने यह भी कहा कि उन्हें उनके विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि आज कांग्रेस की अहम मीटिंग है, लगातार जारी है, और आज पहली सूची कांग्रेस जारी कर सकती है, टिकटार्थियों के नामों का ऐलान हो सकता है। और सतपाल सांगवान ने आज अलविदा कह दिया है कांग्रेस को, और उन्होंने कहा है कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से ये खबर मिली थी कि उन्हें टिकट की लिस्ट में जगह नहीं दी गई है, और इसी बात से वो खफा थे, और इसीलिए उन्होंने आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से उन्होंने कड़ी मेहनत की है। सतपाल सांगवान, ऋषभ सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कहकर जेजेपी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है और जेजेपी का दामन थाम लिया है, और साथ ही आश्वासन दिया है कि वो जहां से भी चुनावी रण में उतरेंगे वहां से जीत कर ही आएंगे। सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह ने जेजेपी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। एक तरफ कांग्रेस की आज अहम मीटिंग है, टिकटों का ऐलान हो सकता है, वहीं सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह जैसे नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। ईश्वर सिंह ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली थी कि उनका नाम टिकट की लिस्ट में नहीं है, इसी बात से खफा थे और इसलिए अलविदा कह दिया है कांग्रेस को, अब शामिल हो गए हैं जेजेपी में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेजेपी में शामिल हुए हैं, अपनी इच्छा से शामिल हुए हैं, और ये विश्वास भी जताया कि वो चुनावी रण में उतरेंगे और जीत कर ही जेजेपी का मान बढ़ाएंगे। जेजेपी में शामिल हो गए हैं सतपाल सांगवान और ईश्वर सिंह, जेजेपी में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। हमीरपुर नगर टाउन का हाल की में हालात खस्ता बनी हुई है। टाउन हॉल के अंदर छत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। शहर के बीचों बीच स्थित टाउन हॉल में आए दिन बड़े या छोटे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। वहीं टाउन के हालात को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं नगर परिषद के ईओ के एल ठाकुर का कहना है कि नगर परिषद के पास बजट नहीं होने से टाउन हॉल की हालात को सुधारा नहीं जा सकता। ईओ ने नगर परिषद के खर्चों को गिनाते हुए कहा कि बजट नहीं होने से नगर परिषद के कामकाज पर असर पड़ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने रामपुर में सही पोषण देश रोशन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए जागरूक किया गया। शिविर के दौरान महिलाओं की एचआईवी एवं रक्तचाप की भी जांच की गई। काशीपुर में आबकारी विभाग में कच्ची शराब पर छापेमारी करते हुए करीब 15,000 किलो लहन नष्ट कर दिया। इस दौरान विभाग ने करीब 50 भट्टियां तोड़ते हुए 500 लीटर शराब को भी जब्त किया। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान कच्ची शराब में लिप्त 16 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। चित्तौड़गढ़ में भूमि विकास बैंक की वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक के प्रदेश में प्रथम स्थान पर फिर रहने पर सभी सदस्यों ने बैंक के चेयरमैन कमलेश पुरोहित का स्वागत किया। शहर में विभिन्न हादसों में गोवंश की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही। देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 गोवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलने पर सवेरे सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृत गोवंश के शवों का निस्तारण किया गया। चित्तौड़गढ़ के घोसुड़ा गांव स्थित सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं स्कूल के एक अध्यापिका के तबादले का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए।
अध्यापिका नर्मदा गोंद लंबे समय से कार्यरत थी। अच्छी पढ़ाई व अच्छे बर्ताव के चलते ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं की चहेती बनी। उनका स्थानांतरण कर दिए जाने के बाद ग्रामीणों में और छात्र छात्राओं में भारी रोष है। चित्तौड़गढ़ में पर्यावरण चेतना रैली के साथ ही आज 65वां वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हो गया। इस पूरे सप्ताह में वन्य जीवों और पर्यावरण को बचाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वन्य जीव सप्ताह का आगाज जन चेतना साइकिल रैली निकालने के साथ हुआ। इस वन्य जीव सप्ताह में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर 64वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। चार दिन तक चलने वाली इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 750 स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। 8 छात्राओं की 18 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। शामली में श्रद्धालुओं से भरी टाटा मैजिक गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार करीब एक दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। शामली से सीओ और थाना अध्यक्ष सहित पुलिस ने कस्बे की पटाखा फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान टीम चार जगहों पर कार्रवाई की बजाय मात्र खाना पूर्ति कर ही वापस लौट गई। मुरादाबाद में दबंगों ने व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। उधार के पैसे मांगने पर बदमाशों ने हमला किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हमला कर आरोपी मौके से फरार हो गए। नरनावा में गली के निर्माण को लेकर कई बार नगर परिषद विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुके लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने रोड जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस की शाहजहांपुर से लखनऊ तक की 180 किलोमीटर की पद यात्रा पर शाहजहांपुर जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जिले में धारा 144 लगी और जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। पुलिस तैनात है ताकि कोई अनहोनी ना हो। मुरैना के लोगों ने कलेक्टर के घर का घेराव किया और इलाके में हो रही जलभराव, गड्ढों और टूटी सड़कों की समस्या पर गुस्सा जाहिर किया। तीन अक्टूबर को अनुसूचित जाति समाज दिल्ली मंदिर आंदोलन में गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए सांकेतिक धरने पर रिहाई की मांग करेगा।